So today I'm going to do a water each in a day, share with you some amazing recipes. Like I'm making dosa right now with rava, which is rava mane suji, curd and water. उसके साथ ये batter है. आपको ये बना के जो batter है ना, इस batter को half an hour तक रखना है as it is before making your dosas or chilas. The dosas that it makes are pretty crispy and tasty. So I just had two of it in the morning for my breakfast. I know that you guys like some of my recipes. My recipes are very quick and easy to make. So I try to share it with you all. Actually, मैं आपको सच बताऊँ, I'm not somebody who loves to cook every day. Of course, मेरे पास cook है. But I like to cook when I want to cook. You understand? I like to have that kind of freedom in my life that I will cook when I want to cook. So I just did my workout and I did it at home only today, not gym today. Hot tea for myself, black tea with a little bit of ginger. Shared an amazing lunch recipe with you guys. It's new for me also. First time मैं बनाऊंगी और आपके साथ share करूंगी. नहाएंगे, पहले चाय पियेंगे, फिर नहाएंगे, फिर मैं आपके साथ 6 कुर्ता सूट सेट्स भी share करूंगी, उसके बाद lunch भी share करूंगी. Yeah, I'm excited. Okay. Hi, so I got this idea of sharing with you all some of my regular wear, daily wear. कुर्ता. दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल बिकॉज ऑफिस जाना होता है, काम पे जाना होता है, या फिर आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो या पीएचडी कर रहे हो, या फिर आप घर पे भी कुर्ता पहनते हो. सो आई हैव गॉट अमेजिंग स्टफ फॉर यू ऑल. ओके, सो दिस फर्स्ट वन इज दिस ब्लू कलर्ड कुर्ता विच आई एब्सोल्युटली लव. ऑफकोर्स ये स्लीवलेस है, बट देन इफ यू वेयर स्लीवलेस आई थिंक इट्स परफेक्ट. 100% कॉटन एंड ऑल द प्राइसेस विल बी मेंशन्ड हियर. बजट का भी ध्यान रखें, एवरीथिंग इज बिलो 1000 रुपीज. आप इसके नीचे ये व्हाइट पैंट पहन लोगे तो इट्स देयर, बट इफ यू डोंट वांट टू वेयर अ व्हाइट पैंट इट्स आल्सो जस्ट अ प्लेन लॉन्ग ड्रेस विच इज अमेजिंग अबाउट दिस. आई एब्सोल्युटली लव इट, इट्स वेरी कंफर्टेबल. सॉरी इफ यू आर आल्सो लुकिंग फॉर अ कॉटन व्हाइट स्ट्रेट फिट पैंट दिस इज मस्ट हैव, एंड ये तो चाहिए हम सब औरतों के लिए, इंपॉर्टेंट है. सो आई हैव द लिंक ऑफ दिस वन आल्सो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. Alright, so the next is this beautiful Go Sikri multicolored georgette kurta which is printed floral prints all over. As you can see, I love the white thread work that it has all around your chest and your neck, and 3/4 sleeves hai iska. Abhi jo ye October November mein jo thand hoti hai na mausam, uske liye ye perfect material hai. Matlab ki aap ghar pe, office mein, bahar kahin bhi pehen sakte ho. Bahut logon ne ye sab khareeda hai. These are like some of my top या बेस्ट सेलर, नॉट जस्ट ऑन अमेजोन बट माई पर्सनल लिस्ट में से बेस्ट सेलर कुर्ताज. सो दिस इज ऑल्सो रियली अफोर्डेबल, रियली वाइब्रेंट, रियली कलरफुल. आई लव इट एंड आई ऑफकोर्स पेयर इट विद द वाइट कॉटन पैंट बिकॉज दिस गोज विद एवरीथिंग. एंड थर्ड वन इज दिस अगेन वेरी वेरी बेस्ट सेलर, वेरी वेरी गॉर्जियस, वेरी फेमस ऑन द इंटरनेट, वायरल ट्रेंडिंग वाइट कलर्ड रेयॉन मटेरियल का, कॉटन ब्लेंड मटेरियल का कुर्ता which I've paired again with the white because this looks gorgeous with it. And this thread work, it's so intricate, so lovely and so detailed. I just love it. You have dekho the side mein pura they have this lace work here, lace work everywhere, peeche bhi hai. Look at the detail. I'm showing you the details, just not distracting you guys. Look at the details on the sleeves. Perfect ghar ke liye, bahar ke liye, office ke liye, like just perfect at this price. एंड मटेरियल भी कम्फर्टेबल है, ये हर सीजन में आप पहन सकते हो. समर विंटर आने वाली है या अभी जो सीजन है चेंजिंग, हर टाइम के लिए सूटेबल है. दिस इज अगेन वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स वायरल कुर्ता. ये तो आपने बहुत देखा होगा, बहुत लोगों ने ये खरीदा भी है. अगर आपने अभी तक नहीं खरीदा, यू शुड हैव इट. सो नेक्स्ट आई हैव दिस अगेन कॉटन कुर्ता जिस अगेन मल्टी कलर, इट्स हैज ब्यूटिफुल, द पैटर्न इज वेरी वेरी यूनिक, वेरी क्लासी, वेरी नाइस. आई लव इट. ऑफिस के लिए आई थिंक परफेक्ट है, घर के लिए भी परफेक्ट है. अगर आप काम करते हो घर में, वर्क फ्रॉम होम है या फिर घर का किचन का काम, तो ऐसे कंफर्टेबल आउटफिट यू डेफिनेटली नीडेड इन योर लाइफ. एट द सेम टाइम ऑल्सो ब्यूटिफुल जस्ट लाइक यू. अगेन बाइक के साथ पेयर किया है बिकॉज बाइक वर्सेटाइल होता है, लोअर्स. सो अगर आप स्लीवलेस नहीं पहन सकते और 3/4 स्लीव भी हमेशा पहनने का मन नहीं करता, दिस इज अ वेरी कम्फर्टेबल, वेरी मॉडर्स्ट स्लीव दैट यू कैन हैव.
एंड दिस इज द लास्ट कुर्ता दैट आई एम शोइंग टुडे. दिस इज अ ब्लैक कलर में चिकनकारी कुर्ता. अब मैंने इतना पैटर्न दिखा दिया, चिकनकारी एक तो बनता है. देखिए अभी चिकनकारी लुक सो क्लासी, सो ट्रेंडी एंड सो नाइस. एंड ऑफिस में अभी दिवाली पार्टी या फंक्शन कुछ ना कुछ आने वाला है नवरात्रि के लिए भी, यू नीड समथिंग दैट इज नॉट एक्सट्रीमली ग्लैमरस बट एट द सेम टाइम गॉर्जियस टू बी अ फेस्टिव फिट. फुल ब्लैक चिकनकारी. तो आप देखो दिस आई हैव अगेन पेयर्ड विद द व्हाइट, बिकॉज व्हाइट का जो इस पे वर्क है इट्स वेरी इंट्रिकेट. इवन द स्लीव्स हैव वर्क एंड यस अंदर लाइनिंग है, मतलब दिस बस्ट एरिया कम्प्लीटली यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा लाइनिंग है. सो यू डोंट हैव टू वेयर एनीथिंग अंडरनीथ. They just don't have the lining from the bust down and on the sleeves, which is not required because you will be wearing something inside, right? पूरे end तक आप देख रहे हो काम है, पूरा end तक काम है, पीछे भी काम है. ये georgette material का है. All the links will be in the description box and I hope this video helps you guys. Hello. So अभी ना lunch का time है. It's almost 2 right now. And I thought of making something interesting that is quick healthy. मुझे spring rolls मतलब मैंने देखा है इंटरनेट पे एंड दिस इज द हेल्दी वर्जन ऑफ स्प्रिंग रोल्स. ठीक है, ये राइस पेपर है, ये आपको इजीली ब्लिंकिट की हर जगह मिल जाएगा. सो आई हैव चॉप्ड सम वेजिटेबल्स हियर. ये सोया बीन्स को मैंने ना सोक करके रखा था हाफ एन आवर के लिए ऑलमोस्ट, एंड देन मैंने इसको ब्लेंड कर लिया टू गेट दिस सोया ग्रेन्यूल्स. उसके बाद कढ़ाई लेनी है, सारे जो वेजिटेबल्स हमने चॉप किया है उसको धीरे धीरे सॉटे करेंगे विद द सोया ग्रेन्यूल्स दैट वी जस्ट मेक. अच्छा, इसमें बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत देर तक आपको इसको कुक भी नहीं करना है. ठीक है, इट हैज़ टू दैट वेजिटेबल्स हैव टू हैव दैट क्रिस्प. बस सॉल्ट पेपर ऐड कीजिए, मैंने ऊपर से थोड़ा सेसमी सीड्स भी ऐड कर दिया है फॉर दैट एक्स्ट्रा क्रंच. यू कैन ऐड मोर वेजिटेबल्स, सम पीनट्स ऑफ योर चॉइस. सो बेसिकली ये राइस पेपर अभी काफ़ी हार्ड है एज यू कैन सी. अब इसको डिप करना है पानी में ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए. ठीक है, वन बाय वन करिएगा, जैसे मैंने अभी ऑलरेडी कर दिया है, टिल इट सॉफ्टन्स. ठीक है, इट्स ऑलमोस्ट सॉफ्ट नाउ, यू सी इट्स सॉफ्टन्ड. बस अब इस राइस पेपर में जो हमने स्टफिंग बना के रखी है उसको ऐड कीजिए एंड देन यू जस्ट नीड टू रैप इट लाइक अ रोल, कुछ ऐसे इस तरह से. अब ये मेरे बन गए रैप्स और इसको मैं हल्का सा तवे पे सॉटे कर लूँगी एंड दैट इज़ इट. माय हेल्दी टेस्टी हाई प्रोटीन स्प्रिंग रोल्स विच इज़ ऑल्सो वेजिटेरियन इज़ रेडी. प्लीज़ डू ट्राई इट एंड मेक इट, इट्स वेरी ईजी, वेरी यमी टू मेक. मैंने ये जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई मेड इट एंड आई रियली लाइक्ड इट. एंड फॉर डिनर आई एम मेकिंग अगेन अ हाई प्रोटीन वेजिटेरियन डिश. दिस इज़ विथ टोफू. टोफू एंड गार्लिक को छोटे छोटे पीसेस में काटने हैं आपको. उसके बाद एक कप में आपको एक चम्मच सोया सॉस, एक चम्मच चिली सॉस और थोड़ा सा सॉल्ट बस ऐड करना है विथ अ लिटिल बिट ऑफ पेपर. ऑलराइट, एक पैन में चॉप्ड गार्लिक्स ऐड कीजिए, फिर उसमें डालिए जो चॉप किए हुए हमारे टोफू है, उसको हल्का सा सॉटे होने दीजिए एंड उसके बाद जो हमने लिक्विड मिक्सचर बना के रखा है उसको ऐड करना है टू इट. ठीक है, लेट इट कुक नाइसली फॉर सम टाइम. अब इसको थोड़ा सा आप चाहे तो लिटिल बिट ऑफ यू नो यू कैन ऐड अ लिटिल बिट ऑफ व्हीट फ्लावर इंस्टेड ऑफ कॉर्न फ्लावर टू इट, ताकि थोड़ी जो लिक्विड है वो थोड़ी सॉलिडिफाई हो जाए. आई हैव एडेड 1 teaspoon ऑफ व्हीट फ्लावर टू इट, बट इट इज़ ऑप्शनल, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको डालें. ठीक है, एंड दैट्स इट. माई ईजी पीजी हाई प्रोटीन डिनर में राइस बोल इज़ रेडी. सो आई होप यू ट्राई दीज न्यू रेसिपीज आउट. डू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर ऑल डिटेल्स. दीज रेसिपीज आर ग्रेट फॉर वेट लॉस, वेट मेंटेनेंस एंड इफ यू वॉन्ट टू पर्सनली कंसल्ट मी फॉर योर डायट and weight loss, do check description box.